हेलो एवरीवन चलो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना चाहे हम कोई भी सेंटेंस छोटे से छोटा सेंटेंस ही क्यों ना बोले अगर हम एक छोटा से छोटा सेंटेंस लेते हैं जैसे अगर मैं आपको कहूँ गो तो ये खुद ही अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है मैंने कहा जाओ ये क्रिया का एहसास करा रहा है वर्व का एहसास करा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम वर्व पढ़ते हैं ना तो वर्व के सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं और उसमें से एक फॉर्म है गो अगर मैं कहूं मैं जाती हूं आई गो तो देखो यहां पे ये आई है एक प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है मैं सारे पार्ट्स पीछे करके बताऊंगी और गो जो है ये वर्ब है बिना दो शब्दों से एक सेंटेंस बना आई गो अब अगर मैं कहूं आई गो होम तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये वर्ब जहाँ गया बेटा याद रखना सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन होता है और क्रिया का जगह यानी एडवर्व ऑफ प्लेस ये एडवर्व है तो ये प्रॉब्लम है कि हम अगर एक सेंटेंस भी लिखते हैं ना छोटे से छोटा सेंटेंस तो बेटा वो सब्जेक्ट वर्व का बना होता है कम से कम या खाली वर्ब भी एक सेंटेंस बना सकता है लेकिन बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते यानी कि हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का क्या यूटिलिटी है और यही है जहां से हम एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं अब अगर मैं कहूं कि भाई सेंटेंस क्या होता है तो बेटा सेंटेंस एक वाक्य होता है और जो सेंटेंस होता है ना वो हमेशा एक वर्ब तो लेगा ही लेगा अब आता है कि भाई ये जो बार बार मैं कह रही हूं एक वर्व लेगा ही लेगा तो क्या बिना वर्व का नहीं बन सकता देखो बिना किसी और चीज का भी सेंटेंस बन गया लेकिन बिना वर्व का सेंटेंस नहीं बनता इसीलिए याद रखना कि सेंटेंस का अगर डेफिनेशन कहे कोई कि भाई सेंटेंस का डेफिनेशन क्या करे तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कहोगे मैम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है नहीं कोई बात नहीं एक, एक दो ऐसे एग्जांपल्स मिल जाते हैं आपको यानी कि जो आदेश वाले सेंटेंस वगैरह होते वरना अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट हैव अ वर्ब और जो मीनिंगफुल बनाता है उसको यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाक्य क्या है शब्दों का समूह अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सार्थक हो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और इसमें जरूर जरूर एक वर्व तो होगा ही होगा दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड दैट मस्ट हैव अ वर्व इसीलिए जब हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई हमें वाक्य बनाना है वाक्य कैसे बनते हैं वो शब्दों से बना होता है भाई शब्द क्या होते हैं तो शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना होता है भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने होते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना वो ध्यान से देख लो आप तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैं माकर करके आपको बता देती हूं देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है सबसे पहले वर्ब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे फिर आता है नाउ प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल कंजंक्शन Preposition कितने हो गए देखो तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ लेकिन बेटा आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वो एक है इंटरजेक्शन अब ये इंटरजेक्शन क्या है वो मैं समझा देती हूँ इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हम जहां करते हैं वहाँ पे बहुत ही आश्चर्य बहुत खुशी बहुत गम वो व्यक्त करने के लिए करते हैं लेकिन उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे तो सबसे पहले आओ कि हमें पता होना चाहिए बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि एट पार्ट ऑफ स्पीच होता है मैं कहूँगी बेटा एट पार्ट ऑफ स्पीच पहले होता था बाद में इस आर्टिकल को ऐड किया गया तो ये आर्टिकल एक पार्ट ऑफ स्पीच बना लिया सुनिए अगर आप कहेंगे मैम वर्व पार्ट ऑफ स्पीच है तो बाकी सब क्या है बेटा मैं आपको समझा देती हूं वर्व से ही हम टेंस पढ़ते हैं और बिना टेंस का स्ट्रक्चर का फॉर्म हम नहीं जान सकते टेंस पर आधारित एक चैप्टर होता है और वो है कंडीशनल सेंटेंस उसके बाद क्वेश्चन टैग इसी पे आधारित है सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट इसी पे आधारित है एक तरह का वर्व होता है जो काम करने नहीं कराने की बात करता है बेटा वो कॉजिटिव वर्व है इनफिनिटिव और जेरेड ये नाउन है वर्व का फॉर्म जो नाउन का काम करता है पार्टिसिपल जो वर्व का फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है देखो और ये ध्यान रखिएगा कि बाकी जो पैसिव एंड नरेशन है ये अलग पोर्शन है लेकिन अगर आप देखोगे तो पैसिव वॉइस एंड नरेशन में सेंटेंस को ही हम चेंज करना सिखाते हैं कि कैसे एक्टिव टू पैसिव होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है लेकिन अगर हम कहें कि भाई मुझे सब कुछ लिखने के लिए सब कुछ सिखाने के लिए क्या चाहिए तो ये नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए तो ये नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले आते हैं ये देखिए आप सबसे पहले आओ कि नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डेफिनेशन देख लें कि इसके डेफिनेशन क्या क्या है ध्यान से सुनना अगर हम बात करें नाउन की तो बेटा नाउन जो होता है किसी का नाम होता है नाम का मतलब भाई कुछ भी नाम रख लो ना जैसे मैंने अगर आपका नाम रखा लड़का बॉय बेटा वो भी नाम है अगर आपको मैंने कहा आपका नाम शिवम है इसका मतलब आपका वो प्रॉपर नाम है वो प्रॉपर नाउन है मैं कह दूँ स्टूडेंट है तो वो भी नाम है मैं कह दूँ अगर मेरा स्टाफ है वो मेरे स्टूडेंट भी है तो वो भी नाउन है अगर मैं कुछ नाम नहीं दूं, तीन लड़के बैठे मैं कहूं एक्स वाई एंड जेड बेटा ये भी नाम है कोई भी शब्द जो नाम के रूप में आता है वो नाउन कहलाता है ये पहला याद रखना कि नाउन क्या है किसी भी किसी भी वर्ड को नाम के रूप में लोगे तो वो नाउन होगा यानी नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड ओके फाइन नेमिंग वर्ड कहा आएगा ये तो बताओ अगर मैं कहूं कि नीतू सिंह इंग्लिश पढ़ाती है बेटा एक एकदम प्रॉपर नाउन है नीतू सिंह और एक सब्जेक्ट का भी प्रॉपर नाम है इंग्लिश तो इसकी इंग्लिश बोलोगे नीतू सिंह टीचर्स इंग्लिश ध्यान से सुनो मैंने कहा नीतू सिंह यानी अगर मैं अपना नाम लिखूं नीतू सिंह टीच ये क्रिया एहसास करा रहा है और इंग्लिश अब आप देखो अगर पूछोगे मैम कौन पढ़ाता है इंग्लिश तो कौन का जवाब नीतू सिंह है कौन का जवाब नीतू सिंह है यानी ये सब्जेक्ट है कौन का जवाब सब्जेक्ट कौन नीतू सिंह सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है बेटा कौन का जवाब यानी कर्ता का जवाब जो करने वाला करता है उसका जवाब है नीतू सिंह पढ़ाती है ओके ये क्रिया का एहसास कर रहा है टीचर्स क्या पढ़ाती है ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट अगर पता करना है तो वर्ब से पूछना क्या जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है वर्ब से पूछना किसको अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स तो देखो स्टूडेंट्स भी ऑब्जेक्ट है यानी क्या और किसको का जवाब जो वर्व के बाद मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट तो करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और वर्व जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है यानी सब्जेक्ट वर्व ऑब्जेक्ट ये ध्यान से सुनो करने वाला सब्जेक्ट जो किया वो क्रिया और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट इसीलिए याद रखना कि अगर मैं अपना नाम लिख रही हूं प्रॉपर नाम बेटा वो सब्जेक्ट है और एकदम सब्जेक्ट का नाम लिख रही हूं इंग्लिश वो भी नाउन है तो नाउन कहां कहां आ सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर मेरा डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि नाउन क्या है अब कहोगे मैम द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग हम शुरू से पढ़ते आए हैं और पढ़ाते भी आए लेकिन अगर मैं कहूँ द नेम ऑफ एनी पर्सन तो क्या मैं पर्सन बोल दूं ये नाउन नहीं है द नेम ऑफ एनी थिंग यानी अगर मैं पेन बोलूँ तभी नाउन है अगर मैं इसको थिंग बोल दूं क्या नाउन नहीं है कोई भी वर्ड से मैं इसको पुकार लूँ बेटा उसका नाउन है इसीलिए डेफिनेशन हम लोग छोटा कर दिए क्या कोई भी वर्ड जो नाम बताए नेमिंग वर्ड इज नाउन कहाँ आता है ये आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो सबसे आसान डेफिनेशन मैं बता सकती हूँ ये है नाउन अब आओ अगर हम नाउन का कॉन्सेप्ट देखें तो बेटा कुछ नाउन का कॉन्सेप्ट आप यहां से देखोगे तो आपको दो तीन और चीजें समझ में आएगी नाउन की पहले आप इसको रीड करिए एक बार ये आठ सेंटेंसेस देख लिया अब सुनो बेटा मैंने क्या कहा नाउन क्या है नेमिंग वर्ड है कहां आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बेटा और कहाँ आ सकता है ध्यान से सुनना राम एज अ गुड बॉय बेटा सब्जेक्ट के प्लेस पे आया टीचर्स टीच स्टूडेंट्स अध्यापक गण पढ़ाते हैं बच्चों को देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया लेकिन अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे रीडिंग लगा रहे हैं रीड का आईएनजी फॉर्म बेटा अब खुद सोचो वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो बोलोगे मैम है ना बेटा ये नाउन है ये कैसा नाउन है जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म में है बेटा इसी को जेरेंट कहते हैं तो जेरेंट क्या है व का आईएनजी फॉर्म काम किसका करता है ना उनका कैसे पता ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है इसीलिए पता राइट right? नेक्स्ट आओ वी प्रोहिबिट स्मोकिंग देखो वी मतलब हम लोग प्रोहिबिट मतलब मना करते हैं और स्मोकिंग का मतलब हो गया धूम्रपान बेटा सब्जेक्ट वर्व ऑब्जेक्ट अब ये जो स्मोकिंग है ये देखो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है आप कहोगे ये कैसा नाउन जो वी वन आई एनची में है भाई ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है तो नाउन तो है ही और नाउन किस फॉर्म में है आई एनची फॉर्म में है तो यानी कि अगर वर्ब आई एन जी फॉर्म में नाउन का काम करे यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आए तो बेटा उसको जेरिट कहते हैं वो अलग चैप्टर है या ध्यान रखना अब आओ अगर हम कहें टू अर इज ह्यूमन यानी गलती करना इंसानी फितरत है टू फॉर गिव डिवाइन यानी अगर माफ करोगे इसका मतलब भगवान हो तुम तो है ना तो देखो टू अर इज ह्यूमन बेटा वर्व के पहले टू अर आया गलती करना गलती करना तो टू अर इसका मतलब है टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म भी तो वर्व का नाउन का काम कर रहा है कैसे पता नाउन बेटा वर्व के पहले आ रहा है तो नाउन का तो काम कर रहा है इसका मतलब है कि अगेन ये क्या है नाउन है कैसे पता भाई सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है तो नाउन ही है ओके फाइन नाउन है तो एक बात मुझे बताइए ये, ये ये नाउन तो है लेकिन ये का फॉर्म है ये नाउन की तरह राम मोहन श्याम बॉय गर्ल तो नहीं है फिर तो बेटा ये इसीलिए तो इसको एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है उसका कहना है इसको कहते हैं क्या इसको कहते हैं इनफिनेटिव सो जेरेंड एंड इनफिनेटिव ये दोनों भी नाउन है भले वर्व का फॉर्म्स है और एरर से बना हुआ वर्व है टू अर ठीक है अगर मैं किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पूछती हूं ना बेटा बेस्ट क्या है तो उसका जवाब होता है मैम गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एजेक्टिव फिर मैं कहती हूं आई डिड माई बेस्ट इसमें बेस्ट क्या है एडजेक्टिव है नहीं बेटा अगर मैं कहूं माई हाउस तो हाउस नाउन है जिसमें रहते हैं उसको नाम दिए है ना हाउस तो अगर माई हाउस नाउन है तो माई बेस्ट में बेस्ट क्या होगा बेस्ट भी तो नाउन होगा है ना क्यों क्योंकि वो माई के बाद है यानी माई के बाद नाउन आता है आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है देखिए देखो ध्यान से मैंने क्या कहा बेटा दो चीजें तो मैं बता चुकी थी कि नाउन का मतलब नाम है ना नाम कहां आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकिन बेटा ये माई के बाद भी नाउन तो माई हिज हर योर आर देर, इनके बाद भी नाउन आएगा आर्टिकल के बाद भी नाउन ए एंड द के बाद भी नाउन आएगा और बेटा जितने प्रेपोजिशन है सब के बाद नाउन आएगा नाउन के स्थान पे और कौन कौन आ सकता है प्रोनाउन और जेरेंड यानी प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन और नाउन ही तो है जेरेंड तो जेरेंड ये तीन आ सकते हैं प्रेपोजिशन के बाद देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे हो गया अब सुनो बेटा ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन अब हम चलते हैं कि ठीक है भाई नाउन समझ गए नाउन मतलब नाम फिर प्रोनाउन क्या है भाई भाई कहता है भाई, मैं मालिक हूं। हर जगह एक बार जाऊंगा उसके बाद वापस मैं नहीं जाऊंगा अगर वापस गया बाई चांस एक बार और तो मेरे साथ मेरा पीए होगा और वो होगा आर्टिकल और कौन सा आर्टिकल आर्टिकल द वो अपना आर्टिकल द लेके चलेगा अगर नाउन आएगा कहीं पर रिपीटेड तो वो मैं बाद में बताऊंगी लेकिन वो कहता है नाउन कि भाई मैं मालिक हूं एक बार गया हो गया ना अब दोबारा मेरे जगह पे मेरा पी आर ओ जाएगा पी आर ओ का फुल फॉर्म जानते हो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है ना लेकिन यहां पे मैं कहूँगी कि ये नाउन का पी आर ओ है तो प्रोनाउन कहलाएगा यानी जितने तरह के लड़कों का नाम ले सकते हो आप ले लो हजार दो हजार तीन हजार सब लड़के को रिप्लेस कर दूंगी मैं ही से लड़कियों का जितना आप नाम ले सकते हो ले लो मैं सबको रिप्लेस कर सकती हूं शी से यानी एक प्रोनाउन हजारों नाउन को रिप्लेस कर सकता है सारा नाउन ने एक प्रोनाउन रखा हुआ है सारे लड़कों ने एक प्रोनाउन ही सारे फेमिनिन ने एक प्रोनाउन शी जितने निर्जीव वस्तु है जितने भी निर्जीव वस्तु है सब ने इट रखा है लेकिन जैसे ये प्लूरल होते हैं ना यानी बॉय नहीं बॉयज गर्ल नहीं गर्ल्स है ना बुक नहीं बुक्स तो ये कहते हैं भाई हम एक ही प्रोनाउन रखेंगे और वो है दे तो बहुवचन में सबका एक ही प्रोनाउन है दे सिंगुलर में लड़कों ने ही रख रखा है लड़कियों ने शी रख रखा है और नॉन लिविंग ने इट रख रखा है अब एनिमल्स क्या करें एनिमल्स बोला भाई हमको नॉन लिविंग के साथ ही रहने दो अगर मैं बहुत ज्यादा अपने जेंडर के बारे में स्पेसिफिक हो जाऊं और अपने जेंडर को दिखाने लगूं तब तो मेरे साथ आप लगा देना ना ही और शी अगर जेंडर स्पेसिफिक हो जाऊं तो वरना मुझे आप इट में ही सम्मिलित करो तो नॉन लिविंग ने भी कहा कि भाई ठीक है मेरे लिए इट आएगा अगर मैं कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगूं अपना पैतरा देने लगूं लड़के और लड़कियों की तरह तो हुआ भाई कैसे लड़के और लड़कियों की तरह पैतरा दोगे अगर मैं गुस्सा दिखाऊं अपना बल दिखाऊं अपनी शक्ति दिखाऊं तो मुझे आप ही से डिनोट कर सकते हो प्यार सुंदरता ममता दया अगर ये दर्शाने लगूं तो मुझे शी से डिनोट कर सकते हो इसलिए अगर नेचर को मदर नेचर के रूप में दिखाओगे तो शी लगा सकते हो और अगर मैं कहूँ सन का गुस्सा तो ही शोड हिज फ्यूरी ही क्यों लगाया सन के लिए भाई इट लगाओ ना फ्यूरी गुस्सा तो हमने उसको ही से डिनोट कर दिया यानी कुछ ज्यादा भाव खाना है तो ही और कुछ प्यार सुंदरता अच्छी चीजें दिखानी है तो शी के है, है ना वरना जो गुस्सा उस्सा है तो ही दिखा लो राइट यानी कि लड़का ही लड़की शी नॉन लिविंग एनिमल इट नॉन लिविंग और एनिमल अगर गुण दर्शाए मर्दों का और फेमिनिन का तब हम उसको ही और शी में डिनोट कर देते हैं अदरवाइज इट में ही रख दे प्लूरल केस में सबके साथ दे और आई अकेली मैं हूं तो आई हम सभी है तो वी तुम यू तुम लोग यू आप यू आप लोग यू यानी सबके लिए यू है ना इसका मतलब हो गया कि ही, शी, इट, आई वी दे और यू ये सात प्रोनाउन से हम सारे नाउन दुनिया भर के नाउन है हजारों हजार नाउन है सबको खत्म कर सकते हैं ठीक है ना मात्र इस सात किससे नाउन से लेकिन बेटा आपको ये भी डिपेंड करता है ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वर्व के पहले वो नाउन है कि वर्व के बाद वो नाउन है तो नाउन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार अगर मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय आगे आया एंड ही हेल्प्ड राम तो राम पीछे आया तो भी राम आया कुछ लोग कहते हैं मैम ये नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन क्या है अरे यार क्या करोगे उसको पढ़ के नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ लो तो काम की चीज है क्योंकि नाम नाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस यानी वर्ब के पहले होगा तो भी बेटा उसको सब्जेक्ट फॉर्म या नॉमिनेटिव केस कहते हैं तो भी वही होगा राम और वर्ब के बाद आएगा तो भी राम लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो बेटा के पहले ये फॉर्म्स है और के बाद ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है यानी ही के पहले और के बाद हिम पहले शी के बाद हर पहले इट पहले आई मी पहले वी अस पहले आगे तो दे वर्व के बाद देम और पहले आई यू तो वर्व के बाद भी यू एट और यू दोनों तरफ सेम फॉर्म्स रखता है अब ये देखो ध्यान से अगर मैं वर्व की बात करूं तो वर्व के पहले और वर्व के बाद ये फॉर्म्स है तो आपको वर्व भी तो पता होना चाहिए कैसे यूज करेंगे अब सोचो अगर मैं कहूंगी कि मैं उस लड़के को पढ़ाती हूं तो आई टीच हेम और वो मुझे पढ़ाता है तो ही टीचर्स क्या मी ठीक है ना मैंने उस फूलदान को है अगर उसको तोड़ दिया तो आई ब्रोक इट अगर मैं कहूं वो मुझे सिखाती है तो शी टीचेस मी अगर आप कहोगे वो हम लोगों को पसंद नहीं करते तो कहोगे दे डोंट लाइक अस वर्ब की बात मत करो खाली मैं आपको सिखा रही हूं कि दे लगाया क्योंकि वर्ब के पहले है और डोंट लाइक के बाद लगाना है हमें तो अस लगाना है अगर कहोगे हम उनको पसंद नहीं करते तो हम के लिए वी वी डोंट लाइक और दे नहीं फिर देम होगा तो ये प्रोनाउन का इसको कहते हैं सब्जेक्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस और ये हमारा प्रोनाउन है ये ध्यान से देखो और इसके बाद बस जरा वन टू थ्री फोर सेंटेंस देखो फिर मैं समझाऊंगी ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जरा देखिए फटाफट ठीक है चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जितने भी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं प्लीज हमारा एक चैनल है केडी लाइव टीचिंग आप प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसमें बहुत सॉलिड कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अब आ जाओ नेक्स्ट जरा ध्यान से देखो हम्म ही इज अ गुड बॉय बेटा इस बॉय के लिए हमने ही लगाया यानी yani लड़के के लिए हमने क्या कहा था ही इट इज अजफुल बुक बेटा बुक के लिए हमने इट लगाया जो मैंने आपको कहा था नॉन लिविंग के लिए इट बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड शेक इट प्रॉपरली अब मैंने पूछा आपसे भाई शेक वॉट आप कहोगे भाई मेडिसिन ही तो हिलाएंगे आप तो यही कहोगे ना भाई मेडिसिन हिला लो बच्चे को देने से पहले भाई इट लगा रही हूं जो मैं वो तो चाइल्ड के पहले लगा है यानी इट तो मुझे चाइल्ड के लिए लग रहा है इट मुझे तो लग रहा है जैसे चाइल्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है तो बच्चे को हिला दे बोलोगे ना भाई मेडिसिन को हिलाओ मेडिसिन को हिलाना है तो फिर बच्चे के बगल में इट क्यों लगाए हो फिर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए फिर आप कहोगे मैडम इतना तो कॉमन सेंस है बेटा ये क्वेश्चन आए हुए जो मैं आपको पूछती हूं यहां पे मेडिसिन को हिलाना है तो आपके लिए प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई इट का इस्तेमाल एक बच्चे के लिए भी होता है ध्यान से सुनो जब आपको किसी बच्चे का जेंडर पता नहीं होना तो उसके लिए इट भी लगा लेते हैं और इट का इस्तेमाल मेडिसिन ऑफ कोर्स नॉन लिविंग है तो इसके लिए तो होगा ही होगा अब दोनों के लिए है तो कुछ ऐसा करो कि आपको यह महसूस तो हो जाए कि भाई इट किसके लिए आया है तो लिखना चाहिए शेक द मेडिसिन प्रॉपरली शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड समझ में आया यानी मेडिसिन को ठीक से हिला लीजिए बच्चे को देने से पहले ये इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से देखो कि भाई हम यहां पे किस चीज को हिलाने की बात कर रहे हैं भाई मेडिसिन को हिलाओ बच्चे को मत हिला देना मर जाएगा वो राइट आई बॉट सम बुक्स दे आर यूजफुल बेटा बुक्स के लिए जो दे लगाए हो ना ये बिल्कुल सही है राइट क्योंकि आई बॉट सम बुक्स और दे आर यूजफुल तो बुक्स यूजफुल है तो बुक्स के लिए दे लगा दिया बिल्कुल सही है नॉन लिविंग के लिए इट प्लूरल में दे और यहां पे इट किसके लिए ला रहे हैं वो तो पहले क्लैरिटी तो होनी चाहिए देखो ठीक है नेक्स्ट आओ अब आते हैं हम वर्व में और ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है ध्यान से सुनना बेटा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जब हम वर्व की बात करते हैं तो वर्फ का मतलब होता है क्रिया का एहसास कराने वाला शब्द जैसे आ, अगर मैं कहूँ आई टीच तो आप मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हो आई एम गोइंग जाते हुए देख सकते हो आई रिटर्न वापस आते हुए देख सकते हो इसका मतलब है कि आप मुझे क्रिया करते हुए देख सकते हो लेकिन अगर मैं कहूँ आई लव यू तो नहीं देख सकते हो आई नो हिम दोनों को पता है कि मैं उसे जानती हूं तब वो जानेगा कि हाँ मैम उसको जानती है मान लो अगर मेरा कोई रिलेटिव भी बैठा है आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों क्योंकि आई नो हेम ये कोई एक्शन थोड़ी जो दूसरों को दिख रहा हो इसीलिए वर्व में हम क्या क्या लगाते हैं वर्व में हम एक्शन यानी क्रिया का एहसास कराने वाले वर्ड को लगाते हैं और हम वर्व में अवस्था भी लगाते हैं दिल की अवस्था दिमाग की अवस्था ये वर्व होता है याद रखना वर्व का मतलब ऐसा वर्ड जो एक्शन डिनोट करे या फिर जो स्टेट को डिनोट करे। एक्शन आई रन दे टीच यू गो और स्टेट डिनोट करने वाला आई नो यू मैंने कहा दूसरों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इसे जानती हूं आई एम अ टीचर बेटा ये कोई एक्शन नहीं है ये अवस्था बता रहा है सो so, वर्व क्या है एक ऐसा उपयोगी शब्द होता है जिसके बिना एक वाक्य नहीं बन सकता और आपको पता होना चाहिए कि वर्व के फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं तो इसके सारे फॉर्म्स आपको वॉल्यूम वन या क्लास नोट्स में मिल जाएंगे बिना वर्व के फॉर्म्स याद करे आपसे इंग्लिश नहीं बोली जा सकती अब सुनिए मैंने आपको जो कराया है मैंने बताया नाउन क्या होता है इसी में मैंने जरन इन्फिनेट बता दिया मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है और मैंने बताया आपको क्या क्या होता होता है। है, याद रखना ये यानी आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच दो तरह के एग्जाम्स में आपको दिखेंगे एक तो आपको सीडीएस में दिखेगा और एक आपको जो दिखेगा सी के पेपर में दिखता है तो मैं आज मैंने आपको तीन जो फॉर्म्स जो फॉर्म्स जो कह सकती हूं मैं सॉरी ये जो तीन है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो मैंने कंप्लीट कराया अब बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी और फिर मैं जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस होते हैं वो एक साथ लेके आऊंगी ये ध्यान रखिएगा कि नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच है अब अगर आपको कोई एट पार्ट ऑफ स्पीच कहे तो उनको बता देना कि आर्टिकल भी पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड हो चुका है कब का बहुत पहले हो चुका है इसीलिए इसके लिए अब कोई क्वेश्चन नहीं है कि एट है कि नाइन है नाउन अगर कोई पूछे तो कहना नाउन नाम बताता है नेमिंग वर्ड है जेरेंड और इंफिनेटिव भी नाउन है हालांकि वर्फ के फॉर्म से वर्व का आई एनजी फॉर्म नाउन के प्लेस पे आएगा तो वो नाउन ही होगा और वो जेरेंड है फिर पूछेगा नाउन का प्लेस क्या है तो भाई नाउन का प्लेस नाउन का प्लेस का मतलब ही हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट राइट नाउन के प्लेस पे और कौन आ सकता है प्रोनाउन आ सकता है आई वी दे यू ही शी इट और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो आई वी दे यू ही शी इट है अगर व के बाद आएगा तो आई नहीं मी ही नहीं शी नहीं her, you नहीं हर यू यू ही रहेगा इट इट ही रहेगा दे देम होगा वी अस हो जाएगा और प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग और एनिमल के लिए होता है और छोटे बच्चे के लिए भी हो सकता है जिसका जेंडर हमें नहीं पता है अगर जेंडर पता होगा तो हम ही और शी लगा लेंगे ठीक है अगर आप कहोगे कि लड़का और लड़की के लिए तो भाई ही और शी है नॉन लिविंग में भी अगर ऐसा गुण दिखे आपको तो आप ही और शी कर सकते हो कैसा गुण उसमें ताकत हिम्मत गुस्सा ये दिखे तो इसको ही से डिनोट कर सकते हैं और अगर उसमें ममता करुणा प्यार दया सुंदरता दिखे तो उसको हम शी से डिनोट कर सकते हैं वर्व क्या है वो एक्शन और अवस्था यानी स्टेट दोनों बताता है यानी जो भी वर्ब के फॉर्म्स याद करने हैं आप देखोगे सब में आपको v1, v2, v3, v1-ing, v1-s, es एन जी वी वन एस ई एस होगा और वो मैक्सिमम सारे वर्ब्स में आप जब ध्यान दोगे तो या तो एक्शन बता रहा होगा या तो दिल या दिमाग की अवस्था या हालात जिसको कहते हैं जैसे आई एम ए टीचर यू आर अ स्टूडेंट वो बताएगा तो ये वर्ब के फॉर्म का होमवर्क देते हुए आज मैं इसे बंद कर रही हूँ इस क्लास को रोक रही हूँ और याद रखिएगा, अगर आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं तो ये सीरियस और सीटेट एग्जाम देना है आपको तभी ये इंपॉर्टेंट है अदरवाइज देखा जाए तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो इनमें आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो फिर बाकी दूसरे एग्जाम्स में आते हैं ठीक है चलो थैंक यू सो मच आपसे मुलाकात फिर मेरी जल्दी होगी और तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करके रखना बस आधे घंटे का क्रिस्प क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने